आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्ट्रे। तो बेस सिटी में हम लोग आ गए। यस, हम लोग कोई नई जगह पर आ गए हैं और मेरे को अभी इधर से टाप के जाना है दूसरी साइड पे। भाई यहाँ तो सचमुच में एक रोबोट तक अलाइव नहीं है। वहाँ पर एटलीस्ट रोबोट्स तो थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये जगह वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बट बहुत ज़्यादा प्यारी है। ओह, वो देखो सामने कमरा खुला हुआ है, पक्का वहीं पर रह रहा होगा वो। अब भाग के चलता हूँ मैं एक बारी, वहीं पर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और ये देखो मैं अंदर आ गया हूँ एंड यहाँ पर से मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पे। बट वो ये रही वो जगह, मुझे यहाँ से शायद अभी अंदर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर ये क्या है, वेट कुछ तो है जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ से नीचे चल, ओ ये देखो यानी हम लोग आसपास ही हैं। यहाँ पर भी उसके डैड ने जक्स को देखो एक केज में बंद कर रखा है, यानी रिसर्च अभी भी चल रही है। ओ वेट, ये रे उसके डैड देख रहे हो भाई। ओ तेरी, आराम से हमने आके डरा दिया। ओके वेट, यू आर नॉट अ जक, हु आर यू? दैट्स माय बैज यू आर वेयरिंग। हाउ डिड यू फाइंड इट? डिड माय सन सेंड यू? ओह सीमस, यू क्लेवर बॉय। ओके, इसको पता चल चुका है कि इसके बेटे ने इसे हमारे पास भेजा है। यू कैन हैव अ लुक अराउंड द हाउस इफ यू वांट, बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू एस्केप दिस प्लेस। तो ये खुद यहाँ पर फंसा हुआ है ना, ठीक है। वैसे यार मैं इसके पास वो डिवाइस लेने आया था। हेलो, एक बार दोबारा बात करते हैं, मैंने थोड़ा चैट स्किप कर दिया था। वी आर स्टक, दीस जर्क्स विल अटैक एज सून एज वी स्टेप आउटसाइड। तो ये कह रहा है बाहर निकलते ही जो जर्क्स हैं ना हमें मार डालेंगे। तो मेरे को कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये क्या चीज़ है, वेट अपने रोबोट को इससे करवाते हैं स्कैन ताकि ये रिमेंबर करके बताए इसके बारे में। आई हैव सीन ह्यूमंस वेयर कॉस्ट्यूम लाइक दिस, दे वर स्मॉल एंड रनिंग अराउंड मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। इसकी तो फालतू वो ज्ञान देने लग जाता है यार सचमुच में, मेरे को ऐसा लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ पर ओ ये क्या चीज़ है, ये मेरे को कुछ तो काम का लग रहा है। वेट, ओ ये वही वेपन है। Hey, be careful with that defroxer. At full charge, it can explode zergs like confetti. Oh, तो यही है weapon. This baby needs 1.21 gigawatts to work. And the only thing around here with that kind of juice is the generator outside the house. The problem is that it won't start. I think a fuse below. And with all these zergs around, it's too dangerous for me go to outside. मतलब इसे मैं बाहर जाके fix करना है और अपना काम फिर हो जाएगा। एक generator और एक fuse. इन दोनों चीज को हमें प्लेस करना है और अपना काम हो जाना चाहिए। कम ऑन फॉलो मी, आई विल शो यू व्हाट टू डू। डन, तभी फटाफट से हम लोग इसके साथ चलते हैं। ये हमें प्रॉपर बताने वाला है कि हमें क्या करना है। बस इतना समझ आ चुका है कि ये जो वेपन है ये वेपन बहुत तगड़ा है और इसको चलाने के लिए जनरेटर और फ्यूज को हमें रिप्लेस करना है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पावर का चार्ज चाहिए होता है। 1.21 कुछ तो इसने गीगावाट्स बताया था, तो वो चार्ज हमें इसे यहाँ पर देना है। बाकी दो वायर आ रही हैं और ये हेयर, टेक दिस फ्यूज, इट्स ब्रांड न्यू। ठीक है, ये फ्यूज हमें कहीं पर ले जाके लगाना है। टर्निंग ऑन द जनरेटर विल बी लाउड, सो एक्सपेक्ट सम जग। ओके, तो कह रहा है कि जनरेटर जब चलेगा तो वो बहुत लाउड होगा, तो चांसेस है कि वहां पर जग्स आ जाएं। ठीक है, वंस यू फिक्स द जनरेटर आई शुड बी एबल टू चार्ज एंड किक स्टार्ट द डिफ्लक्सर। ये एक बारी वेपन चल गया ना, अपना काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मैं कर डालूंगा इस काम को। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं जनरेटर, ओ मतलब इस फ्यूज को लगाने के लिए। बट लगा मैंने यार रीड नहीं कर, लगाना कहा था, इस वायर को फॉलो करना चाहिए शायद। अभी मुझे यहाँ से उतरते हैं, ये वायर देखो इधर से जा रही है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये यहाँ पर आ गई। और अभी तो शांति है, बट जब जनरेटर चलेगा शायद असली उधम तब मचने वाला है। भाग के चलते हैं दूसरी वाली साइड पे और यहीं पर लाकर मुझे लगाना है। नाइस, वायर तो काफ़ी पास आ रखी थी और यहाँ पर मुझे इस फ्यूज़ को लगाना है और जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्ट एन आइटम, ये रफ फ्यूज़, इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं और नाइस ग्रीन लाइट। ओ जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, शोर मचने लग गया है और वो ऊपर से आ गया देखो, और जग्स काफी सारे आ गए, बट वो वहां से एक पर्पल लाइट मार रहा है जिससे वो सारे के सारे मर रहे हैं। तो अभी मुझे उस तक वापस पहुंचना है, बट इस पर्पल लाइट के साथ साथ रहना है ताकि मेरी सेफ्टी रहे। इधर इधर इधर, मेरे ऊपर मार, मेरे ऊपर। नाइस नाइस, बहुत सही बहुत सही। ओह बच गए बच गए बच गए, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे को इस तरफ जाना है, वहां पर काफी सारे जग्स बैठे हैं, अभी मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। लेट्स गो, इसको मार दे। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी तो बहुत सही सीन होगा। मैं भाग के आ रहा हूँ लेफ्ट वाली साइड। ओ नहीं नहीं नहीं, बचा 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 रहे बचा रहे। भाई बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया कर रहा है। मार दे मार दे, ये देख रहे हो कहाँ से चढ़ के हमारी हेल्प कर रहा है। पीछे से जितने आते हैं सबको मार दिया है।
और एंट्री का कोई और रास्ता तो नहीं है, मेरे को इस साइड से जाना होगा, अपना काम हो चुका है। ये इतनी छोटी सी चीज करने में डर रहा था इतने सालों से बेचारा, पता नहीं कब से यहाँ पर फंस रखा होगा। बट ठीक है, अभी हम आ गए हैं, हमने इसकी हेल्प करी, अब ये हमारी सबकी हेल्प करने वाला है इस डिवाइस के थ्रू। लेट्स गो। तो अभी जो डिवाइस है बहुत अमेजिंग होने वाला है। अरे बस यार इतना भी ज्यादा खुश मत हो। अमेजिंग, यू गॉट द जनरेटर बैक ऑन। लेट्स गो। हैव यू सीन हाउ पावरफुल द रिफ्लेक्सर इज? It's definitely our way out of here. Done. मैं फुल रेडी हूँ। Wait a minute. I might be able to mount this reflector to your drone. Oh. तो ये जो हमारा रोबोट है, ये इस ड्रोन को इस रोबोट के ऊपर ही लगा देगा और हम लोग इसे पोर्टेबल यूज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। नाइस। एक बार ट्राई करके देखूं मैं इसे। इट वर्क, द डिफ्लेक्सर इज नाउ इंस्टॉल ऑन योर फैंसी ड्रोन देयर। नाइस। इट्स नॉट मीन टू रन ऑफ सच अ स्मॉल पावर सोर्स, इफ यू यूज इट टू मच इट कुड मैलफंक्शन। डन। जस्ट रिमेंबर इट्स डेंजरस। नाउ लेट्स गो बैक टू द विलेज, आई एम कमिंग होम सन। लेट्स गो। तो अभी बस हमें यहाँ से वापस निकलना है, इसको लेकर हमें साथ साथ जाना है क्या? डन। अब आने वाला है असली मजा, बड़ा मैं मार डालूंगा तुम्हें। पर इसे यूज कैसे करना है, यूज तो बता। मैं वेट यार कैसे यूज करूँ अगर मैं इसे बाहर निकालू? डिफ्लक्सर शायद हम लोग इसका जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई की होगी जो भी मुझे नहीं मालूम। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे को मालूम है। देखो 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 देखो, पता चल गया पता चल गया। अगर मैं इन्हें मारना चाहूँ तो मैं ऐसे कर दूं। ओह नाइस, ये देखो मैं इसके थ्रू इसे यूज कर सकता हूं और अभी मेरे को किसी से भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बस इसके डैड के साथ हम लोग निकलते हैं वापस से विलेज के लिए। चलो सर, चलो चलो वापस चलते हैं, अब आने वाले हैं असली मजे। बाहर वेट वेट, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ जी भाई, ये लो, चलो बाय बाय, आप भी आ जाओ बाय। अभी अपना मस्त काम हो चुका। आ जाओ भाई, दरवाजा खोलो। टेक आउट ऑल दोस जर्क्स वी कैन। मैंने मार दिया, अंधा है क्या? मार तो दिया सबको। Wow, it's working great, but as I suspected, it can overheat. Oh, तो मुझे इसे कम use करना है। Let it cool for a bit. When that happens, I hope it will last until we reach the village. Okay. ये तब तक चल जाएगा मेरे को लग रहा है। अच्छा डिवाइस बनाया होगा तूने भाई, इतनी मेहनत करी है। ये रोबोट देख रहे हो कितना बेचारा, कब से ये इसका कोट समझ रहे हो क्यों गंदा हुआ है? समझ जाओ। चलो अभी फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी तो है, और कुछ अटैक होने वाला है लग तो मेरे को रहा है। अभी कुछ तो अजीब होने वाला है। ये गया है इस शटर को ओपन करने के लिए, दबाए देयर बटन। इतना सोचता पता नहीं क्यों है ये। डन। दिस स्विच डजंट वर्क, इट लुक्स लाइक द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कट। ठीक है भाई, अभी क्या करें? मैं इलेक्ट्रिसिटी जाके रिपेयर करूं? भाई ये बहुत ज्यादा गलत सीन है। देयर मस्ट बी अ वे टू ओपन दैट डोर। हाँ, मुझे कोई और रास्ता ढूंढने का इस दरवाजे को ओपन करने का। यहाँ पर ये जो वायर जा रही है, अगर मैं इस वायर को फॉलो करूँ तो ये देखो यहाँ पर अंदर कोई तो वेंट है, मैं उसमें जा नहीं सकता। लेकिन ओ नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नहीं जा सकता? यहाँ पर कुछ ड्रम है, इस ड्रम को मुझे पहले करना है साइड। भाई हर एक चीज में अपनी कैट भाई महान है। इसको पहले यहाँ पर अगर मैं साइड कर दूं, फिर उसके बाद मैं इस वाले ड्रम के अंदर बैठ के इसे एकदम आगे तक लेकर जाऊं, और फिर उस वेंट के थ्रू हम लोग उधर जाके शायद इस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। ये तो बहुत सही सीन होने वाला है। Let's go. तो चलो गाइस, फिलहाल आज के वाली वीडियो में इतना ही। अभी हम लोगों ने उन साइंटिस्ट को ढूंढ लिया है जिन्होंने डिफ्लक्सर वेपन को बनाया था जग से लड़ने के लिए, यानी अभी जो अपने मॉन्स्टर थे, अपने एनिमीज थे, उनको मारना काफी इजी हो चुका है। तो शायद अब हम लोग इस सिटी से सभी रोबोट्स के साथ एस्केप कर सकते हैं। मुझे बस विलेज में वापस जाना होगा, इन साइंटिस्ट को भी अपने साथ लेकर जाना है। बट दरवाजा बंद है, दरवाजा कैसे खुलेगा, खुलेगा भी या फिर नहीं खुलेगा, कितना डिफिकल्ट होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं 4 लाख लाइक के लिए। तो जाओ लाइक कमेंट दबा के गोल कंप्लीट कर दो, चैनल पर जो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जाकर जरूर बताना आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।